हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर ये तो मर चुकी है। रेडी, एम्बुलेंस को फोन करो। ये सब कैसे हुआ? मैंने देखा था सर। क्या हुआ था? सर हमारे आंखों के सामने एक ट्रक आया और इस औरत को कुचल कर चला गया सर। श्रेया कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? सर हम लोग उस चाय की दुकान पर चाय पीने आए थे, तभी मैंने देखा सर कि ये औरत वहां से भागती हुई आ रही थी। सर सर शायद ये स्पीड में आते हुए ट्रक को देखकर डर गई होगी, इसे पता ही नहीं चला होगा कि क्या करे। पर उस ट्रक ड्राइवर को तो पता होना चाहिए था कि उसे क्या करना है। वो ब्रेक लगा सकता था, ट्रक को दूसरी ओर मोड़ सकता था, या फिर एक्सीडेंट के बाद पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को सरेंडर कर सकता था। एक औरत को ठोकर मार के भागना, ये कहां की इंसानियत है? सर वो इंसान नहीं, हैवान था सर। वो ट्रक को फुल स्पीड में लेकर आया सर और इस औरत को कुचल कर चला गया। तुमने उस ट्रक का नंबर नोट किया, नंबर देखा था? हाँ सर। इस औरत के हाथ में कोई पर्स या बैग वगैरह था? नहीं सर। लेकिन सर इस औरत के हाथ में एक बच्चा था। क्या? इस औरत के हाथ में बच्चा था? हाँ सर, इस औरत के हाथ में एक बच्चा था और ये बच्चों को लेकर भाग रही थी। लेकिन सर जब एक्सीडेंट हुआ तो इसके हाथ में कोई बच्चा नहीं था। सर बच्चा था इसके हाथ में और एक मिनट आप ठीक से याद करके बताओ आपने क्या देखा था। सर मैं अपनी दुकान में था और इस औरत को देखा तो इसके हाथ में एक बच्चा था और ये बच्चे को लेकर भाग रही थी सर। जिन्होंने इस औरत को बच्चे के साथ भागते हुए देखा, और इन साहब का कहना है कि इस औरत के हाथ में बच्चा था ही नहीं। पर अगर इस औरत के हाथ में वाकई में बच्चा था तो बच्चा कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस औरत ने बच्चे को कहीं छोड़ दिया? हो सकता है फ्रेडी, उस बच्चे को ढूंढना होगा। सर बच्चा टोकरी में है सर। अरे उस औरत ने बच्चे को यहाँ पे टोकरी में छोड़ दिया। लेकिन सर कोई अपने बच्चे को इस तरह टोकरी में छोड़ के क्यों जाएगा? हाँ साहब कहिए। ये बच्चा यहाँ इस टोकरी में कैसे आया? बच्चा? हाँ सर मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी दुकान लगा रहा था, फल लेने गया था। इसका मतलब है मरने से पहले इस औरत ने इस बच्चे को यहाँ टोकरी में रखा। हमें उस मरी हुई औरत का पता लगाना है और ये बच्चा। इस बच्चे को हम अपने साथ लेके चलते हैं, इस बच्चे का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। पहले ये पता करते हैं कि इस बच्चे के परिवार में है कौन। सर
उस औरत के बैकग्राउंड के बारे में तो कुछ पता नहीं चला, पर डॉक्टर सालुंके ने कुछ जरूरी बात पता लगा ली है। वो क्या? इस औरत का और उस बच्चे का खून का कोई रिश्ता नहीं। क्या इस बच्चे का और उस औरत का डीएनए मैच नहीं हो रहा है? जी सर, इसका एक ही मतलब हो सकता है दया। उस औरत ने इस बच्चे को चुरा लिया और फिर वो भाग रही थी। हो सकता है सर। काम करना पड़ेगा, मिसिंग पर्सन ब्यूरो से पता लगाना पड़ेगा कि क्या किसी ने बच्चा गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है क्या। डॉक्टर सालुंके का इस बच्चे के माँ के बारे में भी कुछ कहना है सर। क्या? इस औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे, उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले। उस खून का डीएनए करने से पता चला कि उस खून का डीएनए और उस बच्चे के खून का डीएनए आपस में मैच होते हैं, और उस औरत की उम्र जिसका वो खून है लगभग 28 से 30 साल होनी चाहिए। खून के निशान, फिर जरूर इस बच्चे की माँ बुरी तरह से घायल हुई होगी। सर, हो सकता है उस अनजान औरत ने हमला किया हो बच्चे की माँ पर और बच्चे को लेकर भाग गए। सर, लगता है ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। उस औरत का एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझ के खून किया गया। सर, हमने आरटीओ में भी पता किया, ट्रक का नंबर उनके रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। ये देखो बॉस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम तो तब होगा जब बॉस का फोन आएगा। उसको क्या जवाब दोगे? ये काम अधूरा छोड़ दिया। सर, एक ऐसा सुराग मिला है जिससे पता चल सकता है कि ये औरत है कौन। वो क्या? ये उस औरत के कपड़े, इस पे लॉन्ड्री का टैग लगा हुआ है। बस सुबीर, इस टैग से पता लगाओ ये कौन सी लॉन्ड्री है, और इस लॉन्ड्री से हमें पता चलेगा कि ये औरत रहती कहाँ है। तब तक मैं इस बच्चे को संभालूंगा सर, अपने घर पे। मैं इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ सर। सर, मैं भी आपकी मदद करूंगी। उसी का फोन है। सलाम बॉस। मुझे वो बच्चा किसी भी हालत में जिंदा चाहिए, किसी भी हालत में, समझ गए तुम? जी बॉस। सर, आप शांत हो जाइए, मैं इसे संभालती हूँ। इतनी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये बड़े से बड़े मुजरिम को मैं आराम से निपट सकता हूँ, पर छोटे बच्चे को संभालना जरा मुश्किल काम है ना। सर, एक बात कहूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। बड़े बड़े गुनहगारों से निपट सकते हैं, छोटे बच्चों को संभाल सकते हैं, बस जरूरत है तो अपने अंदर छुपे हुए दया को बाहर निकालने की, जिसका दिल मोम जैसा है, जो सबकी कदर करते हैं, जो प्यार करना भी जानते हैं। जो सबकी इज्जत करना भी जानते हैं। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं आ गया हूं। अरे फिर तुम? क्या बात है? सर, जब मुझे एहसास हुआ कि आप अकेले बच्चे को संभाल नहीं पाओगे तो मैं आ गया। ला, बच्चा दो। इट्स ओके सर, मैं बच्चे को नहीं संभाल पाओगी, मुझे दे दो। लेकिन फ्रेडी, बच्चे को नींद नहीं आएगी, उसे सुलाने का तरीका मेरे पास है, बच्चा दे दो। फ्रेडी, क्या कर रहे हो? सीट छोड़ो और बच्चे को वापस दे दो। शेयर सर, प्लीज, मैं संभाल लूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बच्चे को चुप कराने का फॉर्मूला मेरे पास है। श्रेया, टीवी का रिमोट देना। अब देखना सर, ये कार्टून चैनल देख के बच्चा कैसा खुश होता है। फोन से नंबर पे
एक मिनट, वो शास्त्रीय संगीत वाला चैनल फिर से लगा। सुरों की काफी समझ है इसे। हाँ सर, बड़ा होके बड़ा संगीतकार बनेगा। सब हो रही दुकान। ये लो कस्टमर के कपड़े हैं, पैक कर दो। हाँ सर, कहिए कपड़े देने आए हैं या लेने आए हैं? अगर देने आए हैं तो 5 दिन के बाद ही मिलेंगे, और अगर लेने आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 दिन के बाद ही आए होंगे। सर, मैं बहुत ही ईमानदार व्यापारी हूँ, और मैंने आज तक अपने किसी भी कस्टमर को कोई भी धोखा नहीं दिया है। हाँ, ये कपड़े आपकी लॉन्ड्री में धुले हैं ना? जी हाँ मैडम, ये हमारी लॉन्ड्री के ही है। आप यही जानना चाहते हैं कि ये कपड़े किसके हैं? समझदार लगते हो, बता। हाँ, एक मिनट रघु, बुक दो। मिल गया सर। ये कपड़े किसी गोपी नाम की औरत के हैं। गोपी? एड्रेस भी लिखा होगा उसमें? नहीं सर, एड्रेस तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। दो। साहब, मुझे तो पहले से शक था जब वो लड़की यहाँ कपड़े डालने आई थी। ऐसा क्या किया था उसने? मैडम, मैंने बोला 5 दिन बाद कपड़े लेके जाना। वो बोली मैं 2 दिन में आऊंगी। मैंने कहा नहीं मिलेंगे, तो मुझसे गुस्सा करने लगी। बोली तुम्हें धोबी घाट पर ले आकर उल्टा लटका दूंगी, और किसी के साथ मोटरसाइकिल में बैठकर चली गई। उस मोटरसाइकिल वाले का चेहरा देखा था तुमने? साहब, उस समय शाम हो चुकी थी और वो रोड के उस पार खड़ा हुआ था, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया साहब। इस मोबाइल नंबर के जरिए हम उस मोटरसाइकिल वाले तक पहुंच जाएं। चुप रहो, समझे? एक बार। अरे उस औरत का नाम गोपी था। वेरी गुड, उसके मोबाइल नंबर से उसका घर का पता निकालो। इस केस में इस औरत की पूरी जानकारी चाहिए हमें, ठीक है? रजत, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। तुम फौरन अपनी बंदूक नीचे रख दो, वरना इस लड़की का भेजा बाहर कर देंगे। दया, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बस ये बच्चा हमारे हवाले कर दो और अपनी जान बचा लो। अपनी जान की परवाह करने वाले कायरों को हम सीआईडी में भर्ती नहीं किया करते। अगर इस बच्चे को किसी ने छुआ भी ना, तो तुम सबकी अर्थी यहीं से उठेगी। अर्थी तो इस छोकरी की उठेगी दया। नहीं। बस तुम कंधा देने के लिए तैयार रहो। बंदूक नीचे रखो, नीचे रखो बंदूक। सर, आप मेरी परवाह मत कीजिए, आप गोली चलाइए। चुप। दया, गन नीचे रख, नीचे रख गन दया, वरना इस छोकरी की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। एक मिनट। छोटा सा मासूम बच्चा किसी का क्या बिगाड़ सकता है? ये तो कोई राक्षस ही है जो इसे मासूम बच्चे पर हमला करने को देखता है। सर, सर उस गुंडे का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। क्या नाम है उसका? उसका नाम शमी है, और उस पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग के 3 केसेस चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और किडनैपिंग? लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है, कोई बड़ी साजिश है ये। सर, मोबाइल कंपनी ने गोपी का जो एड्रेस दिया था वो गलत है सर। गलत है? हाँ सर। मतलब सर, ये सब पहले से प्लान था।
अरे वाइफ का फोन। कैसी लगी तू? अच्छी अच्छी अच्छी। सर कल रात दया सर के घर पे टीवी पर जब शास्त्रीय संगीत आ रहा था तब बच्चा अचानक से शांत हो गया और मुस्कुराने लगा। अच्छा। वैसे आमतौर पे इस तरह की धुन सुनकर बच्चे उछलने लगते हैं। हाँ लेकिन अभी भी फ्रेडी सर की रिंगटोन सुनकर बच्चा कैसे खुश हो गया? सर हो सकता है कि जब से इस बच्चे का जन्म हुआ हो तब से ये शास्त्रीय संगीत सुनता आ रहा। हो सकता है इसके माता पिता में से कोई संगीतकार या गायक हो। कवि नगर जाके पता लगाना पड़ेगा कि वहां पर कोई शास्त्रीय संगीत विद्यालय है क्या। लगता सही जगह पे हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे वाह ये बच्चा तो बड़ा कोमल है, इसके पैर में कला भी नजर आती है, लेकिन नृत्य सीखने के लिए ये उम्र बहुत छोटी है। मास्टर जी हम यहाँ बच्चे को नृत्य सिखाने के लिए नहीं लाए हैं। तो फिर इस नन्ही सी जान को आप यहाँ क्यों ले आए? हम लोग सीआईडी से हैं और एक केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ओ जी पूछिए। जरा इस बच्चे को देखिए, आप पहचानते हैं इसे? देखा आपने इसे? जी नहीं, इस बच्चे को कभी देखा नहीं मैंने। आपने इस औरत को देखा है? अरे ये तो हमारे बगल वाली डे केयर सेंटर में काम करती है। बेबी डे केयर सेंटर? एक्सक्यूज मी, आप इस औरत को पहचानती हैं? ये तो गोपी है, हमारे आया का काम करती है। लेकिन हुआ क्या है इसे? कल एक ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है। खैर, आप इस बच्चे के बारे में क्या बता सकती हैं? इसका नाम बॉबी है और इसकी माँ का नाम जूही है। ये एलएसटी सोसाइटी में रहती है। एलएसटी सोसाइटी? सर ये देखिए, बॉबी की मां जूही को ही मार दिया। ये देखो गोली गले और पेट पे मारी गई है। लगता है ऐसे मरे हुए भी काफी समय हो गया, खून पूरी तरह से सूख गया। सर ऐसा लग रहा है मैंने इनको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कहां देखा है। सर सर वो देखिए। खून से सने हुए जूतों के निशान। ये देखो और भी ये चप्पल के निशान तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसी चप्पल गोपी ने पहनी हुई थी। इस औरत ने जो सैंडल पहने हुए थे उस सैंडल के नीचे के हिस्से की तरफ हमें खून के कुछ अंश मिले और वहां से भी हमें सूखा हुआ खून मिला था। अभी कोई संजोग तो नहीं हो सकता है ना सर? पर सर गोपी तो गुनहगारों की साथीदार थी, वो खिड़की से बच्चे को लेकर क्यों भागेगी? ये समझ में नहीं आ रहा कि वो यहाँ आई क्यों थी। वो तो नर्सरी में आया का काम करती थी ना। मगर सर जूही को मारने के बाद बच्चे को अगवा करने की क्या जरूरत थी? एक बच्चे से किसी का क्या फायदा हो सकता है? सर सर लगता है ये जूही के पति की फोटो है। निखिल ये जूही के पति की फोटो है नहीं बल्कि थी।
हॉल में इस फोटो पे हार चढ़ा हुआ था। एक काम करो, इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो, देखो क्या मिलता है। सर, इसीलिए उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया था। याद है सर, मैंने इनको एक पंजाबी फिल्म में देखा था, उसमें हीरोइन थी। अच्छा? हाँ सर, इस घर का लिव एंड लीज एग्रीमेंट मिला है सर। सर ये वोटर आईडी है सर, इसमें इनका नाम जूही नहीं बल्कि असली नाम शीतल है सर। और ये जीवन शांति आश्रम का रिसीप्ट भी है सर। तो ये बात है, ये जूही उर्फ शीतल 5 सालों तक एक आश्रम में रह रही थी और 1 साल पहले ही आश्रम से बाहर आई है। मगर सर, एक फिल्म की हीरोइन 5 साल तक आश्रम में क्यों रहेगी? ये देखो, शीतल के पिता रविकांत का नाम लिखा हुआ है इस कार्ड पे। सर, ये रहा डॉक्टर रविकांत का घर, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। सर, ये घर तो लगता है काफी टाइम से बंद पड़ा है। हाँ रजत, ये देखो कितने दिनों के अखबार पड़े हैं यहाँ पर, ये सारे खत पड़े हैं। काम करो, इन दोनों घर के अंदर जाके अच्छी तरह से तलाशी ले, देखता हूँ ये चिट्ठियाँ क्या है। पहले यहाँ कोई आ चुका है, शायद कुछ ढूंढने। देखो कुछ हाथ लगता है क्या? सर, लीगल नोटिस। अरे सुनिए सुनिए, देखिए मैं सीआईडी से हूं। एक बात बताइए, आप रविकांत जी को जानते हैं? हाँ सर, 10 सालों से वो मेरे पड़ोसी हैं। अचानक उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अचानक मौत हो गई रविकांत जी की? कब, कैसे? गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि वो कंट्रोल नहीं कर सके और वो जाके नदी में गिर गए। ओह माय गॉड। कुछ मिला? नहीं सर। ये रविकांत जी का एक्सीडेंट ही था या? एक्सीडेंट ही था सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब जा सकते हैं। नोटिस कैसी? माय गॉड, तो रविकांत जी के घर की नीलामी की नोटिस है? सर इतनी जल्दी ही नोटिस? पिछले महीने तो रविकांत जी की मौत हुई थी। तो पूर्वी पिछले महीने रविकांत जी की मौत होगी, उसके बाद में उनकी बेटी शीतल की मौत। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कोई इत्तफाक नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और फिर अब शीतल के बच्चे की भी जान को खतरा है। इस रविकांत जी के एडवोकेट से मिलना पड़ेगा, वकील से मिलना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा इस घर के नीलामी का राज क्या है। ओ, रविकांत जी की प्रॉपर्टी की नीलामी की नोटिस, ये तो मैंने बनवाई है, लेकिन आपको कहां से मिली? उनके घर से। एक और बात, उनकी बेटी शीतल का किसी ने खून कर दिया। शीतल का खून? लेकिन ये किसने किया? उन्हीं का पता लगाने ही तो हम आपके पास आए। मैं कुछ समझा नहीं। रविकांत जी और शीतल के बाद
इस मकान पर हक किसका बनता है? शीतल जी के बेटे बॉबी का। सिर्फ मकान पर ही नहीं, कसारा में जो 50 एकड़ जमीन है वो भी बॉबी के नाम हो जाएगी। अच्छा, और ये नीलामी का आइडिया किसका था? रविकांत जी के छोटे भाई राकेश का। राकेश, इस राकेश के बारे में और कुछ जानते हैं? जी हाँ, दरअसल उनके परिवार को मैं पिछले 15 साल से जानता हूँ। उनके सारे लीगल मैटर्स मैं ही देखता हूँ। रविकांत और राकेश के पिताजी की जब मृत्यु हुई तो उनके प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिस्सा रविकांत को मिला और सिर्फ 15% राकेश को। ऐसा क्यों किया उनके पिता? क्योंकि राकेश के तौर तरीके और आलसीपन की वजह से उनके पिताजी काफी नाराज थे और उनको राकेश पर भरोसा नहीं था। तो इस बात से तो राकेश जी को बहुत गुस्सा आया होगा। जी हाँ, बहुत। इतना ही नहीं, उसने अपने भाई के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। फिर अचानक दिवाली के दिन आकर गले मिले, सारे गिले शिकवे दूर हो गए। हो सकता है ये राकेश की चाल हो, रविकांत जी का भरोसा जीतकर उनके पीठ पर वार करने की। सर, ये भी तो हो सकता है कि बॉबी को राकेश जी ने अगवा करवाया हो। ये तो राकेश से मिलकर ही पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। डॉक्टर रविकांत के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी, डॉक्टर रविकांत मेरे गुरु जैसे थे। आप? जी, मेरा नाम फनीश है। इस लैब में जो भी रिसर्चेस होती हैं उन्हें मैं फाइनेंस करता हूँ। मिस्टर फनीश, हम डॉक्टर रविकांत की मौत के बारे में आप लोगों से कुछ पूछताछ करने आए हैं। उनकी मौत से तो हम सबको बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है सर। न केवल इस लैब का बल्कि हमारे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नसीब के आगे किसी का बस नहीं चलता। ऐसा लगता है कि उनकी मौत से किसी और का नसीब जरूर जग गया। मैं कुछ समझा नहीं। हमें शक है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ नहीं है बल्कि करवाया गया है। यानी किसी ने उनका मर्डर किया? शायद। वैसे किस चीज पर रिसर्च कर रहे थे डॉक्टर रविकांत? इसके बारे में तो उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो एक टॉप सीक्रेट रिसर्च कर रहे थे, इसीलिए उसका जिक्र उन्होंने कभी किसी को नहीं किया। सर, वो कुछ डरे डरे से रहते थे। क्यों, किससे? इसके बारे में उन्होंने किसी को बताया नहीं, लेकिन वो अपने जो रिसर्च के पेपर्स है ना वो अपने केबिन के लॉकर में रखते थे और तकरीबन हर रोज वो लॉकर का पासवर्ड चेंज करते थे, पता नहीं क्यों। लगता है ये रिसर्च की वजह से ही उनका खून किया गया है। उनका केबिन दिखाइए जरा। गाड़ी तो यहीं खड़ी है, राकेश घर में ही होगा। हाँ, सो लगता घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। घर में कोई तो है, आवाजें आ रही हैं। खोल दो दरवाजा। संभल के, तीन तीन खून किए उसने। Thank you.
PID. लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या है? हैं? किया क्या है? अभी पता चल जाएगा क्या क्या है। इसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लो सर। सर आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, पर प्लीज मुझे ये तो बताइए कि मेरा गुनाह क्या है। रविकांत और शीतल को क्यों मरवाया तुमने? शीतल का कत्ल हो गया सर, कब और कैसे? कब और कैसे? बड़े भोले बनने की कोशिश कर रहे हो राकेश जी। सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। रविकांत और शीतल को पहले मरवाया और फिर शीतल के बच्चे को अगवा किया। इस औरत को पैसे दिए थे ना तुमने ये सब करने के लिए? क्यों? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इस औरत को मैं पहली बार देख रहा हूँ सर। सर मैं रवि भैया और शीतल का खून क्यों करवाऊंगा? इसलिए, इस जायदाद के लिए, जायदाद के पेपर से है ना? क्यों? और तुम ये भी जानते थे कि रविकांत और शीतल की मौत के बाद ये सारी जायदाद शीतल के बेटे के नाम पर हो जाती, और अगर अगर शीतल के बेटे का कुछ कम ज्यादा होता तो ये पूरी की पूरी जायदाद तुम्हारे नाम पर हो जाती। यही चाहते थे ना तुम? जी सर, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन क्या? लेकिन सर मैंने किसी का खून नहीं किया, और ना ही सर मैंने बॉबी को किडनैप करवाया। प्लीज मेरा यकीन मानिए। तुम्हारा यकीन करूं? क्यों क्यों यकीन करूं तुम्हारा मैं? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ सर, एक मिनट। रविकांत चैरिटी फाउंडेशन 50 लाख रुपए। जी सर, जायदाद में जितना भी मेरा हिस्सा था वो सबको बेचकर सारे रुपए में रवि भैया की चैरिटी में डालने वाला था। सर भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, पैसों के लिए मैं अपने भैया का खून क्यों कर रहा हूं? सर ये क्या, लॉकर तो खाली है। खाली है? अभिजीत, ये देखो अभिजीत, ये रिसर्च पेपर्स हैं, जला दिए रहे हैं। वही पेपर है ना? हाँ सर, ये तो वही रिसर्च पेपर्स है जिन पर डॉक्टर रविकांत रिसर्च कर रहे थे, पर उन्होंने ये जलाए क्यों? शायद उन्हें डर होगा कि ये रिसर्च के पेपर किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। पंकज मिला कोई? नहीं सर, सारी फाइल्स डिलीटेड है। एक फाइल है, इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूं सर, एक सेकंड। सर खुल गई। क्या है इसमें? पता नहीं, साइंस के आई थिंक कोई फॉर्मूलाज है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखता हूं। ओ नहीं अभी जी, ये कोई साइंस का फार्मूला नहीं है, ये एक वायरस की टेस्टिंग रिपोर्ट है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि जैसे जहर का कार्ड जहर होता है, वैसे ही किसी भी बीमारी का इलाज उसके वायरस के द्वारा ही किया जाता है, और इस वायरस का टेस्ट किसी इंसान पर कर रहे थे डॉक्टर रविकांत। और कौन सा वायरस है ये? ये पेलकोप नाम का वायरस है, बहुत रेयर किस्म का वायरस है, ज्यादा सुना नहीं है इसके बारे में। मगर सर ये वायरस टेस्ट किस पर कर रहे थे? माय गॉड, मैं समझ गया अभिजीत। अरे है कौन वो? अभी नहीं, एक घंटे के बाद मैं तुम्हें ब्यूरो में मिलता हूँ, कंफर्म कर लूँ फिर बताता हूँ। सचिन पता चला डॉक्टर रविकांत लैब में क्या बना रहा था? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं पता चला। सालू के साहब कह के गए हैं कि एक घंटे में वापस आता हूँ फिर। बस पता चल गया, मैंने गुत्थी सुलझा ली। यार तो फिर बता ना सालू के। बॉस उस रिसर्च लैब में हमने जिस पेशेंट की रिपोर्ट देखी थी उसमें पोलकोप नाम का वायरस था,
ये कौन सा वायरस है? वही तो पता लगाना है, लेकिन एक टेंशन है बॉस। किस बात की टेंशन? बॉस मैंने जब पता लगाया तो पता लगा कि पोलकोप नाम का वायरस तो है ही नहीं। अरे तो फिर सालू के साहब उस मरीज के शरीर में ये वायरस आया कहां से? वही तो बॉस, मैंने जब उस बच्चे का ब्लड टेस्ट किया दोबारा से तो पता ये चला कि उसे हिस्लेक्सिया नाम की बीमारी है, सांस लेने की बीमारी, जिसका कहीं कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब मैंने बच्चे का ब्लड टेस्ट किया तो पता ये चला कि हिस्लेक्सिया का असर उसके शरीर में, उसके खून में धीरे धीरे कम हो रहा है। वो कैसे? वही तो प्रॉब्लम है बॉस, जब मैंने बच्चे का ब्लड टेस्ट दोबारा से किया तो पता लगा कि उसके शरीर में अलग अलग किस्म के वायरस है, जिसकी वजह से हिस्लेक्सिया का असर उसके खून में धीरे धीरे कम हो रहा है, और इन्हीं वायरस में से पोलकोप वायरस भी है। मतलब वो टेस्ट रिपोर्ट बच्चे की थी? हाँ बिल्कुल। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इस पोलकोप वायरस की वजह से ही हुआ है। कोई तो है जो इस पोलकोप वायरस पर कब्जा करना चाहता है। हाँ सर, डॉक्टर रविकांत ने वायरस के सारे सैंपल और रिसर्च के सारे मटीरियल तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए सर। अब ये वायरस सिर्फ बच्चे के अंदर है। मतलब सचिन, बच्चे की जान को खतरा है। रिसीव साहब का फोन। हेलो सर। क्या बच्चे के शरीर में वायरस इंजेक्ट किया गया सर? लगता है इसीलिए उसका टेम्परेचर उतर नहीं रहा, उसे बुखार है सर। हाँ सर, हम लोग वहीं जा रहे थे। ठीक है सर, ओके चलो। चलो बॉबी का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। खेल खत्म हो गया, चल कर नीचे रख। ए लड़की को दे, मेरे को दे, बच्चा मेरे को दे, दे।
शेर का शिकार करने निकले थे गीदड़ लोग। बोल, किसके कहने पे किया ये सब? शर्मानी चाहिए तुम्हें, एक मासूम बच्चे के साथ तुमने ऐसी घिनौनी हरकत की। मैं मजबूर था ऑफिसर, मैंने डॉक्टर रवि कांत की रिसर्च पर लाखों रुपए खर्च किए, यह सोचकर कि रिसर्च कामयाब होगी तो मैं करोड़ों रुपया कमाऊंगा, मेरी कंपनी के शेयर्स फिर से टॉप पर आ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर रवि कांत अपने इन्वेंशन तुम्हें नहीं बल्कि सरकार को देना चाहते थे ताकि हमारे देश के आम लोगों को फायदा हो, पर यह बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे बर्दाश्त होती सर, लाखों रुपए का जुआ मैंने खेला, सारा रिस्क मैंने अकेले ने उठाया, और डॉक्टर रवि कांत वो फार्मूला गवर्नमेंट को देना चाहते थे जो मुझे उसके लिए फूटी कौड़ी नहीं देते थे, और ये बात उन्हें समझाने की मैंने बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी सर। बॉबी को अगवा करने का प्लान तुम्हारा ही था ना? हाँ सर, और जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रवि कांत ने वो वायरस बॉबी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है तो मैंने गोपी को आया बनाकर वहां भेजा और बॉबी को अगवा करने का प्लान बनाया। लेकिन जब गोपी को तुम्हारे घिनौने इरादों के बारे में पता चला तो उसके अंदर की ममता जाग गई और वो बॉबी को लेकर भाग गई, और उसी की बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। अपनी मौत की वो खुद जिम्मेदार है। तुम जैसे हैवानियत के पुतले इंसानियत के बारे में कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें तो ऐसी सजा होनी चाहिए जिसे देखकर हैवानों की रूह कांप उठे। सर, हमें इस बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, इसके भविष्य का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। सर जी, आज के बाद बॉबी को मैं संभालूंगा, अपने भाई के बेटे की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह से बड़ा करूं। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन जिंदगी में कभी इस बच्चे को किसी मदद की जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद करना, बहुत खुशी होगी हमें। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।